बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये इंट्रोडक्शन टू दिस सीरीज रिकॉर्ड करने के लिए। ये एक ऐसी सीरीज थी जिसे बंदा कहता ना कि मेरा ख्वाब था। तो जनाबे वाला, आज जो ये है ना ख्वाब जो सा है वो हकीकत बनने जा रहा है, ठीक है? तो अमेजोन वेब सर्विसेज की सीरीज आर विद अस फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज ऑसम, बड़ा प्यारा बैनर है, फिरोज ने हमारे लिए बना के दिया इंडिया से। तो अमेजोन वेब सर्विसेज उर्दू आईटी एकेडमी इज वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है, कि अमेजोन वेब सर्विसेज सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट और एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है। तो आज मैं थोड़ा सा इस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंट्रो दूंगा और वी विल पास इट ऑन टू द ट्रेनर। ट्रेनर को आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने उस ट्रेनर को सुना हुआ और आप उसे बहुत प्यार मोहब्बत भी करते हैं। तो इंशाल्लाह, करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग बाय नेस्ट, ठीक है? ये मैंने कुछ अर्सा पहले जो सा है एक ट्रेनिंग दी थी, क्लाउड एसेंशियल्स प्लस, ए प्लस की सर्टिफिकेशन है, ठीक है? कि करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की करेक्टरिस्टिक्स है क्या? इलास्टिसिटी, कि अगर आपको 15 सर्वर चाहिए या 5000 सर्वर चाहिए, आप आधे घंटे में 5000 सर्वर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? आपको दुनिया में किसी कोने में चाहिए, आपको वहां अवेलेबल है, ऑन डिमांड, एनी वेयर, एनी टाइम। मुझे 1 घंटे के लिए 5000 सर्वर चाहिए, मैंने कोई वखरे किस्म का काम करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ब्यूटी है क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग की, ठीक है? तो पूल्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडर इन्वेस्ट इन द हार्डवेयर एंड स्टफ, ठीक है? और मॉनिटर मेजर रिसोर्सेज, आप मंथली बेसिस पे आपको चार्ज आएगा, घंटे के हिसाब से चार्जेस होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट पे एक्सेस है। ये नहीं होगा आपका इंटरनेट डाउन हो गया, स्लो हो गया जी, लोड ज्यादा हो गया, या सर्वर स्लो हो गया, नवा एयर कंडीशन लगाओ जी, बिजली चली गई जी, जनरेटर नहीं चला, ये सारा कुछ, ये सारी चीजों से आपकी जान छूट गई, ठीक है? बहुत लिहाज से बहुत लोगों की नौकरियां गई, मगर एक लिहाज से जो है, जब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, तो टेक्नोलॉजी जो है एक मैसिव लीप हो गया, ठीक है? बहुत अरसे से लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ की बात कर रहे थे और उसको एडॉप्ट कर लिया बहुत सारी कंपनी में। पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज क्लाउड रिसोर्सेज पे काम कर रही है, इंडिया में भी तो बहुत ज्यादा मैसिव काम हो रहा है, यूरोप और अमेरिका में तो अब ऑलमोस्ट हम लोगों ने बैंकों बैंकों के ट्रांजेक्शन भी देख लिया है उसके ऊपर, क्योंकि बैंक इज द लास्ट थिंग दैट एडॉप्ट टूवर्ड्स दैट। अभी भी 100% ऑप्शन नहीं है, मगर अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है? तो अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाउड के बारे में मैं ये स्लाइड हमेशा देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग, के मेन फ्रेम होता था उस पर टाइम शेयरिंग होती थी, आरपानेट हुआ, विर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड हुआ 1997 में, और सेल फोर्स आ गया जी। सेल फोर्स आपका जी पहला हार्ड कोर टाइप ऑफ क्लाउड सोल्यूशन 2006 में, अमेजोन आ गया, तो तकरीबन 10-11 साल पीछे हम, ठीक है? और वर्ल्ड वाइड पब्लिक क्लाउड मार्केट होनी शुरू हुई 18%, और 2014 के अंदर एस्टिमेट ग्लोबल क्लाउड स्पेंडिंग 103 बिलियन तक चली गई है, ठीक है? दुनिया में बहुत सारी कंपनीज क्लाउड ऑफरिंग करती हैं, कुछ फैस, सैस और IaaS है, मेरे ख्याल में हमारे ट्रेनर डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाउड रेडीनेस, कि आपने देखना हो कि आपकी कंपनी जो सी है रेडी है क्लाउड के लिए, तो आपके पास ये 3 निशानियां होती हैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है? रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी, आप हर मंडे मॉर्निंग को जाएं तो जेड ड्राइव आपकी फुल होती है, आप अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताते हैं, वो डिलीट करता है कुछ फजूल फोल्डर, तो आप फिर दोबारा जेड ड्राइव में डाटा शेयर कर सकते हो। या कॉस्टली एक्सेस कैपेसिटी, कि आपने एक न्यू सैन का बजट आपके सामने आ गया और आपको कहा गया कि यार इस सैन को हमने बाय करना है, और आप हेड ऑफ आईटी हैं या आईटी डिपार्टमेंट में हैं। या टाइड अप कैपिटल, न्यू स्टार्टअप कैपिटल टू इन्वेस्ट इन आईटी इज नॉट एग्जिस्टेंट, कि आप एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, आप सर्वर रूम नहीं बना सकते, आप जी नेटवर्क, एक्सपेंसिव नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते। तो ये तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर हैं कि आपकी कंपनी क्लाउड पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है? और आप जी क्लाउड सोल्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव इंडिकेटर क्या, कि आपका फिक्स लोड है, आपके इतने लोग हैं, इतना ही डाटा आपको चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स अ ह्यूज डाटा सेंटर, या आपकी कंपनी के पास मैसिव डाटा सेंटर है, ठीक है? लीगल एंड सिक्योरिटी रीजन, या कोई कंप्लायंस रीजन हो सकती है, या हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल इंश्योरेंसेस एश्योरेंसेस, के मिलिट्री हेल्थ या कोई ऐसी ऑपरेशंस है, बल्कि मिलिट्री, यूएस मिलिट्री के लिए अमेजोन वेब सर्विसेज ने डेडिकेटेड 3 या 4 डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं अमेरिका के अंदर, जो हर बंदे के लिए एक्सेसिबल नहीं है। एक्चुअली मैंने वो मैप इंक्लूड नहीं किया, मगर अगर आप मैप देखें तो उसमें नजर आते हैं, मगर AWS जोन्स के अंदर वो नजर नहीं आते। एनीवे, तो अगर आपकी इस तरह की कोई रीजंस हैं, तो डेफिनेटली योर कंपनी इज नॉट रेडी टू गो ऑन द क्लाउड। मगर जिस तरह के मैंने पिछली स्लाइड में बनाया, पॉजिटिव इंडिकेटर्स ये हैं कि आपका लोड हाई एंड अप होता रहता है, कि ईद का टाइम आया, लोगों ने शलवार कमीजें ज्यादा
खरीदनी है, या कोई और भी फेस्टिव आपके लोकल रीजन के हिसाब से आया तो आपको फेस्टिव एक्टिविटी के दौरान लोग जो से बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो लिहाजा आपका लोड सिर्फ उस टाइम के लिए बढ़ा, तो आप उसके लिए एक नया कंप्यूटर रूम नहीं बनाएंगे, ठीक है, या आप डेटा सेंटर नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए सर्वर रिसोर्सेज हायर कर लेंगे, ठीक है। तो जनाब जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कौन कौन सी कंपनीज हमें क्लाउड ऑफर कर रही हैं, ठीक है। तो ये 2016 की है, 2017-18 भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लगता है। अमेजोन वेब सर्विसेज इज ऑन द टॉप राइट साइड, इससे बढ़ के कोई सोल्यूशन नहीं है इस टाइम मार्केट के अंदर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, मगर इसने ऑलमोस्ट कॉपी मारी हुई है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले बड़े डिसएग्री करेंगे मेरे से, शायद दे वुड स्टार्ट हेटिंग मी, मगर अमेजोन वेब सर्विसेज इज अ नो डाउट अ मार्केट लीडर। माइक्रोसॉफ्ट कैचअप कर रहा है, मगर माइक्रोसॉफ्ट की पावर किस साइड पर है? ऑफिस 365 की साइड पर है, ठीक है, कोलेबोरेशन की साइड पर है। अमेजोन वेब सर्विसेज जो सा है वो IaaS टाइप का सोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, सर्वरलेस एनवायरनमेंट इनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी एहसास हो रहा है IaaS और PaaS और SaaS चीजें मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी, मगर आई थिंक इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक। और उसके बाद फिर गूगल भी है, फिर रैकस्पेस भी काफी काम कर रहा है, बाकी डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है, मगर ये सारी ये पता क्या कोशिश कर रही है कि हम आपको ये दोनों क्लाउड सपोर्ट करके देते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट किस्म से फॉलो हो रहा है। कमिंग बैक टू द सर्टिफिकेशन, आपको पता है उर्दू आईटी एकेडमी पे हम सर्टिफिकेशन के बगैर जो से हैं वो छींक भी नहीं मारते। तो AWS के जो से हैं वो तीन किस्म के ट्रैक हैं मोस्टली, ठीक है। एक जो सा है वो आर्किटेक्ट ट्रैक है, एक डेवऑप इंजीनियर टैक ट्रैक है, और एक जो सा है वो है एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर प्रैक्टिशनर, सॉरी डेवलपर और प्रैक्टिशनर, ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, आर्किटेक्ट, डेवलपर और सिसऑप। ठीक हो गया। तो इससे पहले एक जो ट्रैक हमारे पास है वो प्रैक्टिशनर है, फिर आर्किटेक्ट है, फिर डेवलपर है, फिर ऑपरेशन है, फिर डेवलपर के अंदर जो से हैं फिर फंडामेंटल है, एसोसिएट है, और फिर प्रोफेशनल है, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल, एसोसिएट, प्रोफेशनल, फंडामेंटल, एसोसिएट, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हाई लेवल सर्टिफिकेशन है, इसको हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, दिस इज द कोर्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। मगर जिस तरह हमने पढ़ाया है यहाँ पे, जिस तरह मैं अभी ट्रेनर के इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, तो दैट वुड कवर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सी अमेजोन ने तीन चार और साइड की सर्टिफिकेशन निकाली हुई है, लाइक AWS सर्टिफाइड बिग डाटा। अगर आप में से कुछ लोग बिग डाटा की बात कर रहे हैं तो यू आर स्पॉट ऑन, क्योंकि आज से 10 साल के बाद जाके हर चीज बिग डाटा बन जाएगी, और डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट जो सी है वुड गो इज गोइंग टू बी अ बिग फील्ड। मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो शायद यूनिवर्सिटीज ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया, दो दे आर स्टिल 4 to 5 years बिहाइंड, मगर कि भाई यार बिग डाटा साइंसेस के ऊपर भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहे हैं, इस तरह बिग डाटा साइंसेस के ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो बहरहाल डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स हैं आर्किटेक्ट, डिवेलपर और ऑपरेशन के, ठीक है, मगर हम लोग आपको आर्किटेक्ट ट्रैक के ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर कोई और हमें वॉलंटियर ट्रेनर मिल गए तो वो ही वुड डेफिनेटली गो ऑन द डेवऑप इंजीनियरिंग। डेवऑप इंजीनियरिंग इज आल्सो अ गुड गुड ट्रैक मेरे ख्याल में। डेवऑप इंजीनियरिंग के अंदर जो सा है अभी मैं अगली स्लाइड में जाके बताऊंगा कि वो इज वन ऑफ द टॉप 10 सर्टिफिकेशंस राइट नाउ, तो देखते हैं आगे चल के। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने बहुत सारे लोगों ने कह रहा सर एग्जाम कैसे देना, ठीक है। तो अमेजोन वेब सर्विसेज ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन गूगल करें, वहां पे चले जाएं, अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, और उसके बाद रेडी टू स्केड्यूल आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। ये बीबी वहां होगी या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, रेडी फॉर अ स्केड्यूल, ठीक है। AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट, सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस पे आप क्लिक करेंगे स्केड्यूल द एग्जाम, ठीक है। जिस तरह ये आप स्केड्यूल द एग्जाम करेंगे, इसमें एक सैंपल एग्जाम्स भी हैं, ठीक है, मैंने इनको खोल के नहीं देखा। जिस तरह ये आप स्केड्यूल द एग्जाम करेंगे तो बताएगा AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप एग्जाम देने लगे हैं, 80 मिनट का एग्जाम है, नो फूड ड्रिंक्स अलाउड, आपके पास ये आईडीज होनी चाहिए, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेकर आनी है।
और आप उसके बाद अपने सिटी का कोड देंगे। जिस तरह आप सिटी का कोड देंगे तो आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में चार हैं, गुजरांवाला लाहौर के आसपास भी तीन चार सर्टिफिकेशन है, मैंने इंडिया में भी देख लिया क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में भी हैं, इंडिया में भी सर्टिफिकेशन सेंटर है। तो आप अपना अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो आपसे फीस मांगेगा, तो $150 फीस है। तो आपको दो क्वेश्चन के आंसर मिल गया, सर पेपर कहाँ से देना है कैसे देना है, तो जनाब पेपर यहाँ से देना है, ऐसे बुक कराना है और ₹150 फीस है, ठीक है $150। और उसके बाद जो है 2018 की टॉप सर्टिफिकेशन मैंने निकाली, तो उसके अंदर जो दूसरे नंबर पे है सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ये देखें ये दूसरे नंबर पे आया। फॉरगेट अबाउट दिस मनी थिंग राइट नाउ, ठीक है इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, मगर ये आपको देख रहे कि ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट भी है, ठीक है वो चौथे नंबर पे, PMP CGEIT टॉप पे चलेगी। पहले ये दो सर्टिफिकेशन टॉप पे होती थी, ये तो सदाबहार सर्टिफिकेशन है, हमेशा ही टॉप 5-6 में रहती है। तो ये सूरत हाल है, मगर लाजमी नहीं है कि अगर आप इस सर्टिफिकेशन कर लें तो आपकी इतनी तनख्वाह हो जाएगी, मगर इस ट्रेंड, ठीक है कि भाई ये बता रहे हैं कि इतने परसेंट जो से पीपल हैं, और ये US की रिसर्च है इतनी, आई वुड नॉट फॉल फॉर दिस वन दैट मच, कि भाई इसको बिल्कुल डाउन टू द लास्ट लाइन आपने इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद ट्रेनर का इंट्रोडक्शन, आप इस ट्रेनर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं फैसल को, फैसल इज विद अस फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मगर मेरे ख्याल में फैसल ने इतने कम अरसे के अंदर इतनी ज्यादा वीडियोस और इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाई है, मेरे ख्याल में मुझे शक पड़ रहा है कि थोड़े अरसे बाद ना फैसल ने मेरा अकाउंट भी मिस कर देना है। एनीवे तो ये इस गोल्डन रिसोर्स फॉर उर्दू आई टी अकेडमी, यानी अगर हमारे पास चार पांच ऐसे लोग हो जाएं तो मेरे ख्याल में हम दुनिया की हर एक सर्टिफिकेशन पढ़ा सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बड़े कम लोग हमारे पास इस तरह के मिलते हैं हमें। तो फैसल इज अ वेरी गोल्डन रिसोर्स फॉर उर्दू आई टी अकेडमी, और उर्दू आई टी अकेडमी इज वेरी प्राउड टू हैव फैसल विद अस। और फैसल जो सा AWS आर्किटेक्ट एग्जाम जो सा प्रोफेशनल एग्जाम है उसको परस्यू कर रहा है इस टाइम, और लव्स टेबल टेनिस आपको सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्को सर्टिफिकेशन है, वी डजंट लाइक पॉलिटिकल टॉक, और उसको मैंने तीन गोल्डन स्टार या मेडल दे दिए हैं। उसकी वजह ये है कि फैसल ने अभी रिसेंटली हमारी पीएफ सेंस की सीरीज जो सी है, पीएफ सेंस की सीरीज कंप्लीट की है, और फिर एक रिक्वेस्ट बड़े अरसे से चली आ रही थी नेगियोस की, ठीक है नेगियोस एक NMS टाइप ऑफ सोल्यूशन है, उसने उर्दू आई टी बाइट्स के अंदर ना घुसा के 7-8 लेक्चर बना दिया, आला काम, यानी उसने बड़ा काम किया है फैसल ने। और नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट AWS सीरीज, और AWS सीरीज छोटी सीरीज नहीं है ट्रस्ट मी, और इट्स नॉट अ चीप सीरीज टू डू, और इट्स यानी इससे पता लगता है कि इस बंदे की कमिटमेंट किस लेवल की है, ठीक है। और ये कमिटमेंट इज नॉट फॉर द मनी, ठीक है उर्दू आई टी अकेडमी में जो भी पढ़ा रहा है वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप पढ़ें और आप लोग दुआएं दें। तो हम सबको आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और जौन सा है मैं आपके और फैसल के दरमियान इतनी ज़्यादा देर हायल नहीं रहूंगा, मगर वन थिंग आई नीड टू सी से टू फैसल इस वीडियो के तवसुत से, मैं उसे अक्सर कहता रहता हूँ कि यार फैसल यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, कीप इट अप, ठीक है। फैसल की शादी होने वाली है अभी थोड़े अरसे में, तो लिहाजा शादी के बाद देखेंगे कि फैसल मिलता है या नहीं हमें, मगर मार्च अप्रैल मई के बाद ही कोई प्लान है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू फैसल, और आप लोगों के लिए जितने लोग AWS पढ़ रहे हैं प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्किंग में आप सिस्टम्स में हैं, स्टडी AWS, इट्स गोना बी एन आंसर टू अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। आप यार आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है इज गोना बी चेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 4 से 5 साल पहले मैंने जब क्लाउड सर्विसेज पे हाथ सीधा किया हल्का सा, आई एम अ स्टूडेंट स्टिल, मैं फैसल की सीरीज से बड़ा कुछ सीखा मैंने, तो इस एन आई ओपनर, ठीक है। तो आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर, बट वेलकम टू यू फैसल अगेन, ठीक है वेलकम करने की जरूरत तो नहीं है। और आप लोग जो AWS सर्विसेज पढ़ना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं प्लीज डू स्टार्ट इट, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, और AWS की सीरीज में हैंडिंग ओवर टू फैसल, अल्लाह हाफिज़।